गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना बी एड सैकेंड सेमेस्टर का चैप्टर चल रहा है करिकुलम डिवेलपमेंट। वो जो आप नैक्सट टॉपिक करना है वह पाठक्रम में हिस्सेदारी स्टेक होल्डर इन करिकुलम, ये अपना नैक्सट टॉपिक है। अच्छा आप ये गल करा तो स्टेक होल्डर की होंगे है हिस्सेदार वो व्यक्ति या संस्थावान हैं जो स्कूल पाठक्रम अंतर संबंध होंगे हैं। यो हिस्सेदार हैं जो पाठक्रम क्रियाशील बनाते हैं तो उसनों जीवन प्रदान करते हैं। कहते स्टेक होल्डर की है वो परसन जो स्कूल के करिकुलम बनाने मदद करते हैं। कोई भी परसन जो स्कूल के करिकुलम बनाने मदद करता है उन्होंने आप कहें स्टेक होल्डर कहते हैं। यही पाठक्रम चलाने हेल्प करते हैं, ठीक है। यही आपको कह रहे हैं अपनी सिक्ख्या अगे ले जाने सहयोग देंगे, ठीक है। यही हर मसले में हिस्सा लेंगे जे मतलब कुछ भी कोई करिकुलम चेंजिस करने कुछ ऐड करना कुछ डिलीट करना वो कि द्वारा करवाया जाता स्टेक होल्डर द्वारा कराया जाता। तो अनुसार पाठक्रम के हिस्सेदार शामिल होंगे स्टेक होल्डर कि विद्यार्थी खुद एक स्टेक होल्डर के तौर पर काम करता है, अध्यापक हो गया, मापे हो गए, प्रशासक हो गया, स्कूल बोर्ड के मैंबर हो गए, तो बाहरी संबंधित समूह, ये सारे की है स्टेक होल्डर है जो करिकुलम डिवेलपमेंट के हिस्सा पाते हैं। सब तो पहला आ जाती अपनी राज सरकार जी के बारे आप गल करा स्टेट गौरमेंट। कहते स्टेट गौरमेंट अपना की करती है जिन्ना भी अपना कोई पाठक्रम पाठक्रम का निर्माण करना है पाठक्रम लागू करना है मुलांकन करना है तो इन्हें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो अपनी की होंगी है स्टेट गवर्नमेंट होंगी है। अपने सिक्ख्या डायरैक्टोरेट होंगे है जो सिक्ख्या संपन्न करने सिक्ख्या नीतियां लागू करने अपनी हेल्प करते हैं। हम भारत में कहते क्योंकि वध तो वध राज सरकार है तो इसलिए उन्होंने जिम्मेवारी बनती है कि मुढ़ली जो भी एजुकेशन है उन्होंने पाठक्रम के जो ध्यान देना है या कोई राष्ट्रीय नीति करनी है राष्ट्रीय नीति बनानी है या कोई सिखलाई देने नीतियां बनानी है तो वो सारा काम जोड़ा है अपनी स्टेट गवर्नमेंट वालों करवाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की जी पाठ पुस्तक है उन्होंने तैयारी करवाती है, कोई समगरी होंगी है, कोई अध्यापकों तो कोई जानकारी लेनी है, कोई कमरे किन्ने कमरे हो मुलांकन विधियां हो, ठीक है, की इंस्ट्रूमेंट है जोड़े रखे जाएंगे, ये सारे ढंग चीज़ों चलाने की जिम्मेवारी कि होंगी है स्टेट गवर्नमेंट की होंगी है। उदू बाद अपना आ गया पाठक्रम एक हिस्सेदार वजो सिक्ख्यार्थी लर्निंग लर्नर एज ए स्टेक होल्डर इन करिकुलम। हुण कहिंदे सिक्ख्या सिख्यार्थी या विद्यार्थी ये की होंगे एक तरह का पाठक्रम का केंद्र होंगे क्योंकि जो पाठक्रम सैट होंगे वो कि बेस्ड होंगे स्टूडेंट से बेस्ड होंगे स्टूडेंट के बेस से ही निर्माण किया जाता है। स्टूडेंट ही इन्हों तो प्रभावित होंगे क्योंकि करिकुलम फॉलो किने करना है स्टूडेंट ने करना है। स्टूडेंट क्रियाशील तो प्रतक रूप में इस चीज़ के हिस्सा पाते हैं। हूँ एक मोनिक अपने जोड़े है एडवाइजर हुए हैं उन्होंने अपन की किया कहते जो मोनिक है उन्हें क्या कि जीवन दख समस्थावान का सामना करने लिए सिख्यार्थियों के ज्ञान कौशल मानसिक योग्यतावान झुकावान के विकास लिए स्कूल की है एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी होंगी है। मतलब विद्यार्थी ने जिहड़े प्रॉपर विकास के जिहड़ा हिस्सा पाते हैं वो कौन पाते हैं स्कूल पाते हैं। स्कूलों के नाल ही विद्यार्थी के करिकुलम निश्चित किया जाता है। तो इन्हें सिख्यार्थी के ये करैक्टरिस्टिक्स की हो गई लर्नर दियाँ जिहड़े पाठक्रम के हिस्सा पाते उन्होंने बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स उन्होंने आयु एज की है जेंडर की है मेल फीमेल गर्ल बॉय मेंटल डिवेलपमेंट किस तरह की हो रही है सभ्याचार पछोड़ किस तरह का है इंट्रस्ट किस तरह के है बच्चों के इच्छावान किस तरह दी ख्वाहिशा किस तरह दगियाँ तो व्यक्तिगत उद्देश बच्चों के किस तरह के है। तो ये सारिया विशेषतावान मिला के माप के ही आप जे है इन समर्थावान ध्यान रखते ही करिकुलम की डिवेलपमेंट जी वो गल करते हैं। तो ये मेन स्टेक होल्डर के तौर पर मनिया है। लर्नर तो बाद अपना टीचर आ गया टीचर एज ए स्टेक होल्डर इन करिकुलम। जिस तरह कहते एक बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होंगे उस तरह एक अध्यापक भी बहुत वधिया हिस्सेदारी निभाता है, ठीक है। वो तजर्बा तो ही आप अगे चल के चीज़ों का पुनर्निर्माण करते हैं क्योंकि अध्यापक ने जो क्लास में आके पढ़ाना है विद्यार्थियों के की कमी है या विद्यार्थियों आप होर रीप्रजेंट कर सकते हैं तो वह सारा टीचर के उत्ते ही निर्भर करता है। टीचर ने ही ये चीज़ों का ध्यान रखना होंगे। तो ये सब तो पहला आ जाती है सहभागता इनवॉल्वमेंट। कहते एक अध्यापक जोड़ा है पाठक्रम की योजनाबंदी प्लैनिंग होनी जरूरी है। प्लैनिंग के अकॉर्डिंग ही वो जोड़ा है पाठक्रम क्रियाशीलता तैयार करता है तो उस अकॉर्डिंग ही क्लास के जाके चीज़ों पढ़ाता है। योजनाबंदी योजनाबंदी जो प्लैनिंग हो जाती है उदो चीज़ों का मुलांकन करना उन्होंने देखरेख करनी, ठीक है। सोमिया के पैकेट है जो पैकेज है जो पाठक्रम के उन्होंने डिवेलपमेंट करनी कोई डिज़ाइन तैयार करने किस तरह का पाठक्रम होगा किमें उन्होंने पढ़ाया जाएगा प्रोजेक्ट तैयार करने ये सारिया भूमिकावान वो निभाते हैं। उस अलावा विभिन्न भूमिकावान पेशावर अध्यापक पाठक्रम के निर्माण लागू करन मुलांकन लिए कई भूमिका निभाते हैं जिमें सब तो पहला वो की है करिकुलम प्लैनर के वजो अध्यापक ही बनते एक प्लैनर बनते हैं। पहला प्लैनिंग करते सारे पाठक्रम की फिर
फिर उन्होंने की करते पाठक्रम लागू करता। एक प्लैन करन तो बाद चीज़ों लागू करना इंप्लीमेंट करना यह भी अध्यापक की जिम्मेवारी होंगी है। उस तो बाद चीज़ों का की करना मुलांकन करना, जो प्लैनिंग होगी उस तो बाद चीज़ों जो चला के देखा फिर आप मुलांकन किया कि चीज़ें ठीक ढंग चल रही या नहीं चल रही, फिर पाठक्रम की अगवाई होंगी है। करिकुलम लीडर होंगे है जो एक अगवाईकार के रूप में सामने आते जिमें अध्यापक है वो पूरी अगवाई करते हैं, देखते हैं भी चीज़ें जो निर्माण किया गया वो सही तरीके चल रही या नहीं चल रही। तो इस तरह जोड़ा पाठक्रम का केंद्रीकरण है वो कि तौर पर रखा जाता, एक अध्यापक के तौर पर रखा जाता है। तो अध्यापक एज ए स्टेक होल्डर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जोड़ा है वो निभाते हैं। तो एक्टिव पार्टीसपेशन ये की होगी, अध्यापकों की होगी, स्टूडेंट्स की होगी। बेसिकली अध्यापक है वो बेसिकली जोड़े है एक्टिव पार्टीसपेट जोड़े है वो मने जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों जिन्हें भी कोई समस्यावान है उन्होंने बारे जानू करवाना, उन्होंने बारे क्रियाशील रहना, यह सारी जिम्मेवारी अध्यापक की होंगी है। वो निर्देश हेठा रह के ही बच्चे जोड़े अपना वो सारा जोड़ा काम करते हैं। हुण अध्यापकों के नाल दे नाल कहिंदे पेरेंट्स भी एज ए स्टेक होल्डर इन करिकुलम काम करते हैं। मापिआं दी भी बहुत वड्डी भूमिका हुंदी है, क्योंकि मापिआं ने ही बच्चों दीआं जिहड़ीआं जरूरतां उहनां दा ध्यान रखना हुंदा है। तो अध्यापक जिहड़े अध्यापकों तो बाद जिहड़े पेरेंट्स है दे आर ऑलसो परफॉर्मिंग रोल गुड रोल एज ए स्टेक होल्डर। तो कुछ जिहड़े पढ़े लिखे मापे हुंदे उह की करदे आ कमेटियां बना लैंदे अपनीआं, उन्हां कमेटियां दे विचों चैक करदे वी जिहड़ीआं बच्चों को पाठक्रम पुस्तकां लगाईआं गईआं उह सही है, उन्हां दे संबंध विच जिहड़ा विशा वस्तु दे विचार वटांदरा करदे आ, सिलेबस बारे जानकारी लिखते हैं, पढ़े लिखे अध्यापकों को सिलेबस भेजे जाते हैं, उन्हों का राय मशवरा किया जाता है, एक ड्राफ्ट जहाँ बना के भेजते हैं भी इन्होंने आह चेंजिज़ किए जाए ये किया जाए। तो मापे जो पास आउट हो जाए चीज़ा उन्हों का मुलांकन करने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जी है निभाते हैं। उदो बाद स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस, उस तो बाद कुछ कहते मापे होंगे, कुछ आर्थिक संस्थावान होंगे, आप देखते हैं ना कुछ सोसायटीज़ बनिया होंगे जो बच्चे फीस वगैरह के भूमिका निभाती हैं, तो करिकुलम के भी भूमिका बच्चे की निभाती है, बच्चे की देना चाहिए या कि परिस्थितियों के कंडीशन लागू होनी चाहिए वो भी ध्यान रखा जाए। तो यह राजी अपना स्टेक होल्डर वाला चैप्टर, आई थिंक सैक्शन ये कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर मैं चैक कर लूँगी, तुम भी चैक कर लियो, जे कंप्लीट हो गया तो प्लीज़ कमेंट करके दस दिए भी थोड़ा सैक्शन कंप्लीट है, जो कोई पेंडिंग टॉपिक रह गया तो प्लीज़ वो भी मैंने कमेंट बॉक्स में दस सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।